गाजियाबाद के मोदी नगर में शत्रु संपत्ति प्रकरण की समस्या का निवारण न होने पर स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में तंबू गाड़ दिया। शत्रु संपत्ति प्रकरण में लगभग 50,000 लोगों के आशियाने पर तलवार लटकी हुई है। मोदी नगर उप जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों को जल्द से जल्द तहसील परिसर खाली करने की चेतावनी दी है। गाजियाबाद के मोदी नगर में 1800 बीघा शत्रु संपत्ति का मुद्दा स्थानीय प्रशासन के लिए गले का फंदा बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन द्वारा चिन्हित ज्यादातर भूमि पर आवासीय कॉलोनी स्थित है, जिसके कारण उप जिलाधिकारी को आए दिन किसी न किसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और समस्या का हल ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन आप जो हमें भलीभांति जानकारी होगी पूरी तरह से, अब तो केस पूरा खुल के आ गया सर कि 100% देखिए, मेरा कहना यह है, मैं तमाम आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सच सही और गलत का साथ आपने हमेशा दिया है, इस अब भी देंगे। यहाँ पे 1800 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति घोषित की गई है और ये तमाम अधिकारियों को भी पता है, ऊपर तक सब लोगों को इस बारे में जानकारी हो गई है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया है, जिसकी मांग को लेकर हम अब से 20 दिन पहले भी यहाँ तहसील में आए थे। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसकी जाँच कराएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि जो गलत तरीके से ये घोषित हुई है उसकी पुनः एक बार जाँच हो जाए। मेरा अभी हम लोगों ने वार्ता भी करी सभी को बुला के, और आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा अनुरोध सभी से ये है कि यहाँ तहसील के परिसर में किसी तरह का भी धरना न करें। धारा 144 लागू है और इस तरह का विधि विरुद्ध जमाव बिल्कुल भी वर्जित है।